साथियों नमस्कार। अभी की बड़ी खबर इस वक्त निकल कर आ रही है साथियों, 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर, जिसमें साथियों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भावुक हो चुके हैं। जी हां साथियों, आपको बता दें कि अदर देश में इस तरह की इतनी सारी मौतें हुई हैं साथियों बाढ़ से खतरे के बीच में, इस बीच साथियों देश के प्रधानमंत्री ने भी साथियों शोक जताया है। पाकिस्तान में साथियों बाढ़ का कहर जारी है। अब देश में बाढ़ और बारिश से घड़ी जो घटनाओं में 1156 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दीजिए दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा के में बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान में बाढ़ से हो रही मौतों को लेकर दुख जताया है। पाकिस्तान की सरकार ने बाढ़ से 10 अरब डॉलर के नुकसान की आशंका जताई है। रेडियो पाकिस्तान के मुताबिक बाढ़ में अब तक 1156 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1640 लोग जख्मी हुए हैं। वहीं 7,35,357 जानवर भी मारे गए हैं, अब बह गए हैं। इसके अलावा 3,451 किलोमीटर रोड, 149 ब्रिज, 170 दुकानें और 9,49,858 मकानों का नुकसान पहुंचा है। साथियों आप देख सकते हैं कि इस तरह की तबाही पाकिस्तान में मची है। बाढ़ से पाकिस्तान में करीब 3.3 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं कुल आबादी का 1/7 भी हिस्सा है, जिसमें साथियों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मौतें हो रही हैं उनको लेकर दुख जताया है। साथियों इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बाढ़ पीड़ित को 25,000 रुपये देने का ऐलान किया है प्रधानमंत्री ने, पाकिस्तान के ने।